बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम हो गए आप सभी के अनदर वीडियो में। और आज की इस वीडियो का थंबनेल टाइटल आप लोगों ने देख लिया है। आज हम लोग देखेंगे कि हाउ टू फॉर्म एलएलसी, यूएसए में हमने अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवानी है उसको कैसे करेंगे। सारी चीजें आपका भाई स्टेप बाय स्टेप आपको बताएगा। पहले नंबर पे एलएलसी होती क्या है, आपको एलएलसी की जरूरत क्यों है, व्हाई, उसका आपको बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं, उसका पर्पस क्या है, बनाने का मेन मकसद क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, इसको बनाने के लिए किन किन चीजों की हमें जरूरत पड़ने वाली है आगे चलकर, और नेक्स्ट पैसा कितना लगने वाला है, क्योंकि कोई भी चीज हम लोगों ने करनी है पैसा तो कंपलसरी है, कितना लगेगा, कैसे है, सारी चीजें आपको डिस्कस करके बताएंगे। और एट दी एंड कुछ ऐसी वेबसाइट्स में आपके साथ शेयर करने वाला हूं जिन पे आप लोग को जीरो पैसा देकर आप लोग खुद अपनी एलएलसी बना सकते हो, किसी को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है आप लोगों के साथ बहुत ज्यादा स्कैम हुए हैं, आप फेसबुक पे जाके लोगों से एलएलसी बनवा रहे हो, कुछ लोग आपको बोल रहे हैं कि मैं आपको एलएलसी बना दूंगा, $1000 मुझे दे दो, तो पैसे आपसे वो छाप रहे हैं और आप लोगों के साथ काफी ज्यादा स्कैम्स भी हो चुके हैं। तो आप लोग खुद, जी हाँ, आप लोग खुद, आपको किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है, एलएलसी बना सकते हो, यूएसए में अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवा सकते हो, सब कुछ खुद कर सकते हो। 5 से 10 मिनट लगेंगे, आगे चलकर मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाने वाला हूं कैसे आपने करना है। आपके साथ मैं कुछ ऑथेंटिक वेबसाइट शेयर करूंगा जिनके थ्रू आप लोग खुद अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवा सकते हो। और इधर हमारे पास एक सेकंड सिनेरियो भी आता है, अगर कोई बंदा बोल रहा है कि यार मैं खुद सब कुछ करना चाह रहा हूं, मैं EIN नंबर भी खुद ही फॉर्म करूंगा, जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है उससे जाकर, स्टेट की फीस भी मैं खुद ही दूंगा, सारा कुछ एजेंट वगैरह फाइंड करना है वो भी मैं खुद ही करूंगा, सारा कुछ खुद करना चाह रहा हूं, तो वो भी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा कि आपने खुद कैसे करना है। देखो ये जो खुद वाला काम है ना, ये उन लोगों का जिनके अंदर कोई कीड़ा नहीं होता कि यार मैंने सारा कुछ खुद करना है, ये उन लोगों के लिए है, बट इसमें थोड़ा दिमाग खपाना पड़ता है। आप लोगों को मैं रिकमेंड नहीं करता, बट अगर कोई चाह रहा है तो कर सकता है। और सेकंड, इधर मैंने आपको बताया कि मैं आपसे आप वेबसाइट शेयर करने वाला हूँ, वो जो है बहुत मजे की है, जस्ट जाके आप लोगों ने खुद 5-10 मिनट देने हैं, आपकी एलएलसी जो है वो रजिस्टर्ड हो जाएगी, पैसा देना है, कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है। देखो ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को कहीं पे भी जाके दूसरी कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है कि हमने एलएलसी फॉर्म कैसे करनी है, क्योंकि आपका भाई सब कुछ आपके साथ शेयर करेगा और प्रैक्टिकली चीजों को लेके चलेंगे। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो यार क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर नए हो, पहली बार टपक पड़े हो, ये चेहरा अगर देख रहे हो पहली बार, तो सब्सक्राइब कर लो, साथ नोटिफिकेशन बेल लाजमी ऑन करना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि आप लोगों को पता है हमारा शॉपिफाई इंटरनेशनल का कोर्स चल रहा है, क्या नहीं पता, इधर मैं प्लेलिस्ट अटैच कर रहा हूं, प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाओ, जाके देखो शॉपिफाई इंटरनेशनल कोर्स 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है, स्टेप बाय स्टेप आपका भाई लेके चला कि कैसे आपने करना है, जाके लाजम से ज्वाइन कर लेना। फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन की तरफ, उधर हम लोग सारी चीजें प्रैक्टिकली सीखते हैं। सो गाइस, पहले नंबर पे हम लोग बात कर लेते हैं कि व्हाट इज एलएलसी, एलएलसी होती क्या है। अब एलएलसी की पहले नंबर पे फुल फॉर्म जो है वो है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। आप लोग यूएसए में अपनी एक कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हो जिसके थ्रू आप लोग कहीं पे भी बिजनेस कर सकते हो। इट गिव्स ग्लोबली रिकॉग्नाइजेशन टू योर कंपनी, यू कैन डू बिजनेस इन एवरी कंट्री, आप लोग हर मुल्क में जो है अपना बिजनेस कर सकते हो अगर आपके पास यूएसए की एलएलसी है। पीपल ट्रस्ट योर बिजनेस बिकॉज यू हैव एलएलसी, आपके पास एलएलसी है, लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे। एंड यू कैन ऑल्सो हैव लीगल एंटिटी, पीपल बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम योर वेबसाइट एंड यू कैन इंक्रीज योर सेल्स, लोग आपसे प्रोडक्ट्स बाय करेंगे क्योंकि उनका आप पे ट्रस्ट बिल्ड हो गया है और आपकी सेल्स जो है आप प्रॉफिटेबल रहोगे। होप करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ लगी होगी कि व्हाट इज एलएलसी। अब बात कर लेते हैं व्हाई वी नीड एलएलसी, हमें इसकी जरूरत क्यों है, इसका मेन पर्पस क्या है, किस मकसद के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, इसका बेनिफिट क्या है, हमें इसका क्या क्या फायदा होने वाला है। अब देखो पहले नंबर पे अगर मैं बात करूं तो आप कंपनी अपनी रजिस्टर्ड करवा रहे हो यूएसए के अंदर, जैसे पाकिस्तान में हमारा होता है ना कि प्राइवेट लेबल कंपनीज होती हैं, वैसे यूएसए में आपने कंपनी रजिस्टर्ड करवानी है जिसके थ्रू आप लोग कोई भी बिजनेस कर सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो। अच्छा, इधर स्क्रीन पर आप लोग को एक वेबसाइट जो हो रही है बिज बाय सेल के नाम से, ये जो वेबसाइट है इधर आप लोग अपना बिजनेस जो है यूएसए में बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। अब ये बता क्यों रहा हूं, इसका मकसद क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। इधर सबसे पहले आप लोगों ने अपनी स्टेट सेलेक्ट करनी है, किस स्टेट में आप बिजनेस जो है वो बाय करना चाह रहे हो, जैसे कि इधर मैं फ्लोरिडा लिख देता हूं, इसको मैं इधर से सिलेक्ट करता हूं। उसके बाद आप लोगों ने इंडस्ट्री इधर से कोई भी सिलेक्ट कर लेनी है, स्पेसिफिकली अगर किसी इंडस्ट्री में जाना चाह रहे हो तो आप लोग इधर सिंपल से सर्च करोगे, मैं इधर सर्च पे क्लिक कर देता हूं। अब इसने मुझे फ्लोरिडा में सारे के सारे बिजनेस जो बाय सेलिंग है वो शो करवा दिए हैं। आप लोग इधर नीचे देखो, काफी ज्यादा स्क्रॉल करो, आपको काफी ज्यादा बिजनेस जो है इधर शो हो जाएंगे। अब इनमें से लेट से मान के चलते हैं आप लोगों ने कोई भी एक बिजनेस बाय करना है, जैसे कि ये $100,000 का ये एक बिजनेस है, आप अगर इनको बाय करते हो तो नेक्स्ट फ्यूचर में होगा क्या, आप फ्लोरिडा में
फाइल कर सकते हो आप अपनी बिजनेस के बेस पे कि मुझे वीजा अप्लाई करना है। अगर आप वीजा अप्लाई करते हो तो आपको इजीली उधर वीजा मिल जाएगा। तो ये आपको एक बेनिफिट देखने को मिलता है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको लेके चलना चाह रहे हो इस आपको एलएलसी बेस पे। अच्छा, सेकंड नंबर पे अगर मैं इधर बात करूं वो होता है पेमेंट गेटवेज। आप लोग बहुत ज्यादा मुझे क्वेश्चन पूछते हो कि भाई मैं पाकिस्तान में बैठ के यूके में यूएस में या किसी भी कंट्री में काम करना है तो मैं पेमेंट गेटवे कौन सा लगाऊं, मेरे पास तो कोई पेमेंट गेटवे है ही नहीं तो मैं बनाऊं कैसे, क्योंकि पाकिस्तानी नंबर वगैरह इस पे तो हम बना ही नहीं सकते। ना पेपाल बना सकते हैं, ना स्ट्राइप बना सकते हैं, ना वाइज बना सकते हैं, ना पियोनियर बिजनेस अकाउंट है, रिले या कोई अकाउंट नहीं हम यार बना सकते। तो उसके लिए आप लोगों के पास अगर एलएलसी है, आपने यूएस में कंपनी रजिस्टर्ड करवाई हुई है, तो आप लोग ये सारे के सारे पेमेंट गेटवे जो है वो बना सकते हो, बहुत इजीली बना सकते हो। तो अब समझ लग गई है कि आप लोगों ने अगर कोई पेमेंट गेटवे बनाना है या लगाना है तो उसके लिए आपके पास एलएलसी रिक्वायर्ड है। अच्छा, थर्ड नंबर पे चलते हैं, कुरियर अकाउंट्स इन यूएसए। अगर आप लोगों के पास एलएलसी है, आप लोग कोई भी कुरियर अकाउंट जो है वो ओपन कर सकते हो अपनी एलएलसी बेस के ऊपर। लेट्स से मैं पाकिस्तान में बैठा हूं, मैंने यूएसए में काम करना है, वाइट लेबलिंग करनी है, तो अगर मेरे पास उधर अपने मैंने 3PL सर्विसेज के पास माल रखवाया हुआ है या मैंने कहीं भी अपने वेयर हाउस में माल रखवाया हुआ है, मैं चाह रहा हूँ कोई कुरियर अकाउंट ओपन करवाना, तो उस केस में होगा क्या, मैं अपने यूएसए में या किसी भी कंट्री में अपनी एलएलसी बेस पे अपना कुरियर अकाउंट जो है वो ओपन करवा सकता हूँ। तो ये इसका एक बेनिफिट है, होप करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, आप लोगों को एक इसका बेनिफिट ये भी देखने को मिलता है, आप लोग यूएसए में अपना बैंक अकाउंट भी ओपन कर सकते हो एलएलसी बेस के ऊपर। जी हाँ, आप लोगों को अगर बैंक कोई चाहिए, बैंक अकाउंट चाहिए, तो आप एलएलसी बेस पे ओपन करवा सकते हो। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें आपको ये बेनिफिट देखने को मिलता है, अगर आप अमेजोन एफबीए कर रहे हो तो देन आपको रीसेलर सर्टिफिकेट वगैरह इससे देखने को मिल जाएगा। और अगर आप लोग किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, अब अमेजोन से हटके ईबे की बात करूं, एटसी की बात करूं, तो देन आप लोग एलएलसी बेस पे काम कर सकते हो, आपके पास यूएसए की कंपनी रजिस्टर्ड होगी, आप इजिली काम कर सकते हो। अच्छा, इधर सबसे पहले जो हमें जरूरत पड़ती है वो होती है एक, हमें हायर करना पड़ता है रजिस्टर्ड एजेंट इन यूएसए। हमें यूएसए में एक रजिस्टर्ड एजेंट की जरूरत पड़ती है, वो आप लोग मैं नेक्स्ट आगे चल के बताऊंगा कैसे आपने हायर करना है, सारे मामला आगे चल के डिटेल से हम लोग सीखेंगे। सेकंड नंबर पे आपको जरूरत पड़ेगी यूएसए एड्रेस की, आप लोगों के पास एक फिजिकल मेल एड्रेस जिसको हम रजिस्टर्ड मेलिंग एड्रेस बोलते हैं वो आपके पास एक होना चाहिए। आप लोग ऑनलाइन परचेज कर सकते हो यूएसए का एड्रेस, आपको डिफरेंट वेबसाइट्स मिल जाएंगी और आगे चल के मैं बताने वाला हूं कि किधर से आपने जाके बाय करना है। उसके अलावा आपके पास एक यूएसए का नंबर होना चाहिए जिसके थ्रू आप लोग ये सारा काम करोगे। उसके अलावा आपके पास एक EIN नंबर होता है जिसको हम एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर बोलते हैं, ये आपके पास कंपलसरी होना चाहिए, ये भी आगे चल के देखेंगे कैसे बनाना है, क्या मामला आता है। उसके अलावा हमारे पास एक कंपनी का नाम होना चाहिए, आपने किसी नाम पे अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवानी है यूएसए में तो आपके पास एक नाम होना चाहिए। तो आप लोग पहले तो एक नाम चूज करोगे, लेकिन उसमें भी काफी ज्यादा आगे डिफिकल्टीज आती हैं, हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि आप जिस स्टेट में अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवा रहे हो यूएसए में तो उस मतलब के स्टेट में आपका नाम अवेलेबल भी है कि नहीं, मतलब पहले किसी ने बाय करके तो नहीं रखा हुआ, तो वो भी आगे चल के मैं बताऊंगा डिटेल में कि कैसे चेक करना है नाम अवेलेबल है या नहीं है, तो किस तरीके से ये सारे मामला देखने हैं आगे डिटेल में हम लोग देखेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इधर आप लोगों को पैसे की जरूरत पड़ने वाली है, क्यों, क्योंकि देखो आपने स्टेट की फीस देनी है, आपने एक रजिस्टर्ड एजेंट हायर करना है, आपने एड्रेस बाय करना है, इन चीजों के लिए आपके पास पैसा होना जरूरी है। कितना पैसा लगना है आगे चलकर हम लोग डिटेल में देखते हैं, लेकिन पैसा जरूरी है। सो अब बात कर लेते हैं बजट की कि हमें कितना पैसा लगेगा अगर हमने यूएस में अपनी कंपनी रजिस्टर करवानी है या एलएलसी फॉर्म करनी है। अब देखो इधर कोई भी फिक्स अमाउंट नहीं है, अगर कोई बंदा आपको बोल रहा है कि आपका $1,000 लगेगा, $500 लगेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोगों को कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट के अंदर यूएसए की कंपनी रजिस्टर्ड करवा रहे हो। लेट से आप वाइमिंग में अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवा रहे हो, फ्लोरिडा में करवा रहे हो, टेक्सिस में करवा रहे हो, या किसी भी स्टेट में आप अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवा रहे हो यूएसए में, तो देन उसकी अलहदा फीस होगी। लेट से मान के चलते हैं फ्लोरिडा में आपकी जो कंपनी रजिस्टर्ड करवा रहे हो उसकी फीस अलग होगी, टेक्सिस में अलग होगी, उसके अलावा अगर मैं बात करूं अलास्का में अलग होगी और डेलावेयर में अलग होगी। तो ये डिपेंड करता है आपकी स्टेट्स के ऊपर कि किस स्टेट में आप अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हो। मोटा मोटा अगर मैं आपको लेके चलूं तो आपका कोई $350 से $400 लग जाएगा अगर आप अपनी कंपनी खुद रजिस्टर्ड करते हो, किसी मतलब के थर्ड पार्टी बंदे को फेसबुक वगैरह पे जाके ये ऐसे नहीं बोलते कि भाई मेरी कंपनी रजिस्टर्ड करवा दो, मेरी एलएलसी बनवा दो, उसमें फ्रॉड वगैरह बहुत हो जाता है, पैसे लेके भाग जाते हैं, 100 मामला होते हैं। तो मैं रिकमेंड भी नहीं करता आप किसी के थ्रू करवाओ, आप खुद कर सकते हो यार, 5 से 10 मिनट लगेंगे।
सो गाइस इधर मैंने कुछ स्टेट्स के नाम जो है वो शॉर्टलिस्ट करके रखे हुए हैं आप लोगों के लिए। आप लोग इन स्टेट्स को अगर यूज करते हो अपनी एलएलसी फॉर्म करने के लिए तो देन आपको सेम टैक्स देखने को मिलेगा या कम अज कम टैक्स देखने को मिलेगा। अब इधर वॉर्मिंग है पहले नंबर पे आती है, डेलावेयर है, फ्लोरिडा है, टेक्सिस है, अलास्का है, ये कुछ स्टेट्स हैं। अगर आप इनमें एलएलसी फॉर्म करते हो तो देन आपको कम अज कम टैक्स देखने को मिलेगा। बाकी आप लोग अपने हिसाब से खुद रिसर्च कर सकते हो, आप लोग डिफरेंट स्टेट्स पे अप्लाई करके देख सकते हो कि आपको कितना टैक्स पड़ रहा है। तो ये चीजें आप लोगों ने प्रैक्टिकली करके देख लेनी है या अपनी थोड़ी रिसर्च कर लेनी है। बाकी मुझे जो बेस्ट लगी है मैंने आपके साथ शेयर कर दी है स्टेट्स। अब बात करते हैं वेबसाइट्स की तरफ कि आप लोगों ने खुद बिल्कुल फ्री में कैसे एलएलसी फॉर्म करनी है। देखो इनके एक्स्ट्रा फीस कोई नहीं होगी इन प्लेटफॉर्म्स की, जो आगे चल के मैं आपके साथ वेबसाइट शेयर करने वाला हूं, लेकिन जो मदर की फीस होती है जैसे कि स्टेट की फीस है वो कंपलसरी है, वो देनी पड़ेगी आपको गवर्नमेंट को। EIN नंबर रजिस्टर्ड करना है वो भी गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके करना पड़ता है, वो देनी पड़ती है। तो रजिस्टर्ड एजेंट चाहिए आपको, उसके लिए भी फीस देनी पड़ती है। तो वो तो जरूरी ही जरूरी है, लेकिन एक्स्ट्रा फीस कोई नहीं है। कोई डिफरेंट एजेंट नहीं हम हायर कर रहे, कोई डिफरेंट थर्ड पार्टी बंदा नहीं हायर कर रहे हम लोग जिसको हमें एक्स्ट्रा देने की जरूरत है। क्योंकि मुझे पता है मार्केट में बहुत लोग बैठे हुए हैं जो आपसे पैसा खा रहे हैं, तो आप लोगों को मैं फ्री में बताऊंगा कैसे आप लोगों ने करना है। अच्छा, इधर पहले नंबर पे जो मैंने इधर वेबसाइट रखी हुई ना वो है माइका गुरु। ये जो वेबसाइट है आप लोग इसको यूज कर सकते हो लॉन्च योर यूएस कंपनी, अपनी यूएस में कंपनी स्टार्ट करवाने के लिए आप इस वेबसाइट को यूज कर सकते हो। 100% ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स है, आप लोग आंखें बंद करके इनके साथ काम कर सकते हो जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इससे हटकर अगर कोई भी है तो मुझे नहीं पता। नीचे आप लोग इधर देखो इनका ट्रस्ट पायलट पे जाके आप ट्रस्ट स्कोर भी चेक कर सकते हो, 4.8 है आउट ऑफ 5। तो आप लोग अगर चेक करना चाह रहे हो कि ये वेबसाइट कैसी है, अच्छी भी है नहीं अच्छी, अगर आपको मेरे पे यकीन नहीं है तो देन आप ट्रस्ट पायलट की वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हो। आगे जितनी भी वेबसाइट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये बहुत ऑथेंटिक वेबसाइट है। इधर आपको बहुत सस्ती एलएलसी मिल जाती है, कोई भी स्टेट आप यूज कर लो, स्टेट्स मैंने आपको पीछे बता दी है। आप सिंपल आओगे इधर गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करोगे, इधर से आप लोग अपनी एंटिटी टाइप सेलेक्ट करोगे एलएलसी, उसके बाद स्टेट अपनी सेलेक्ट करोगे किस स्टेट में बनाना चाह रहे हो। लेट से कि इधर से हम लोग कर लेते हैं फ्लोरिडा जो कि बेस्ट फॉर ई कॉमर्स है, उसको मैं सेलेक्ट करूंगा। नेक्स्ट ये मुझे पूछा है कि फर्स्ट ईयर के लिए आपको $304 देने पड़ेंगे, उसके अलावा आप अगर नेक्स्ट ईयर मतलब के क्योंकि हमने पहले साल तो हमने EIN नंबर परचेज करना है, अपना जो है हमारी स्टेट की फीस है वो देनी पड़ती है, तो दैट्स वाई हमें कॉस्टली पड़ती है, पहले साल ₹300 पड़ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर हमें ये फीस देने की जरूरत नहीं होती, तो हमें सिर्फ और सिर्फ $100 देने हैं जो कि 99 बनते हैं। ओके, तो इधर फर्स्ट ईयर पे इधर आप आओगे नीचे आपको ये सारी सारी डिटेलिंग मिल जाएगी, क्या क्या चीजें आपको इधर देखने को मिलेंगी, और आप लोग सिंपल नीचे आके इधर देख सकते हो सारी चीजें। आपने इधर स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना है और आपकी जो एलएलसी फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, ये जो प्लेटफॉर्म है इन्होंने मुझे स्पॉन्सर नहीं किया, कोई पैसा नहीं दिया है, ना ही ये मेरे कोई रिश्तेदार है, बाकी ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म्स है, मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करने चाहिए, दैट्स व्हाई मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। बाकी इन फ्यूचर अगर ये मुझे स्पॉन्सर करते हैं तो हम इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे कि आपने माइका गुरु के साथ कैसे कंपनी रजिस्टर्ड करनी है यूएसए में। अब नेक्स्ट प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ते हैं, वो है इधर टेलर ब्रांड्स। ये बहुत 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 कमाल का प्लेटफॉर्म है। इधर आप लोग नीचे इसका ट्रस्ट स्कोर भी चेक कर सकते हो, ट्रस्ट पायलट पे जाके एक्सलेंट शो करवा रहा है, इसके रिव्यूज आप लोग देखो, बहुत कमाल का प्लेटफॉर्म है। और आपने देखा भी होगा काफी सारे यूट्यूबर्स को इसको प्रमोट करते हुए। नीचे एलएलसी फॉर्मेशन है, ये नंबर इसमें देखने को मिलता है आपको, बिजनेस लाइसेंस एंड परमिट देखने को मिल जाता है, ट्रेडमार्क, बिजनेस इंश्योरेंस है, टैक्सीज है, सारी चीजें आपको इधर देखने को मिलती है, जैसे कि वेबसाइट भी आपको देखने को मिल जाएगी, बट हमें इसकी जरूरत नहीं है, डोमेन की भी हमें जरूरत नहीं है, लोगों की भी हमें जरूरत नहीं है, हमें जिस जिस चीज की जरूरत है जैसे EIN नंबर की जरूरत है, एलएलसी फॉर्मेशन हम करेंगे उसमें हमें टैक्स फीस है, उसके अलावा हमने रजिस्टर्ड एजेंट हायर करना है, तो हमें जिन जिन चीजों की जरूरत है ना सिर्फ हम उसी का पैसा देंगे इसको, बाकी हमें एक्स्ट्रा पैसा देने की जरूरत नहीं है। ओके, हो गया। अब आप लोग इसके थ्रू अपना अकाउंट जो है वो एलएलसी फॉर्म कर सकते हो। मैं आपको नेक्स्ट प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि आपने प्रैक्टिकली कैसे एलएलसी फॉर्म करनी है। अभी के लिए जस्ट आप लोग जो है वेबसाइट देख लो, प्लेटफॉर्म देख लो जिनके थ्रू आप लोग जो है एलएलसी फॉर्म कर सकते हो। अब इधर जो तीसरे नंबर पे मैंने वेबसाइट रखी है वो है क्लेमटा। ये जो वेबसाइट है ना ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है मुझे ऐसा लगता है, बट आप लोग इसके साथ देख लो कि आपको कितने चार्जेस पड़ेंगे। इधर आप लोग देखो स्टार्ट एंड ग्रो योर बिजनेस इन यूनाइटेड स्टेट। इधर आप लोग इसका ट्रस्ट पायलट पे स्कोर भी चेक कर सकते हो, एक्सीलेंट स्कोर है। गेट स्टार्टेड पे आप सिंपल इधर क्लिक मारोगे और नेक्स्ट इसका काम स्टार्ट हो जाएगा। इधर मैं इसको कंटिन्यू विद गूगल कर सकता हूं, बट अभी के लिए मैं इसको नहीं लेके चल रहा बिकॉज कि अगर मैं सारी की सारी वेबसाइट्स पे आपको एलएलसी फॉर्म करना बताने बैठ जाऊंगा तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैंने आपके साथ प्लेटफॉर्म शेयर कर दिए हैं, नेक्स्ट आगे प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा, आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। अब इधर जो लास्ट प्लेटफॉर्म मैंने रखा है वो है बीजी। अब ये इन फाइल वालों की ऑफिशियल वेबसाइट है, अगर मैं ऊपर इधर सर्च करता हूं
INCFILE.com, ये वेबसाइट अगर मैं सर्च करता हूं तो ये मुझे रीडायरेक्ट करेगा बीजी की वेबसाइट पे, क्योंकि ये एक ही वेबसाइट है, उन्होंने रीडायरेक्शन लगाई हुई है। अब इस प्लेटफॉर्म पे आकर आप लोगों ने इधर से एंटिटी सिलेक्ट करनी है, आप क्या बनाना चाह रहे हो, मैं इधर से LLC सिलेक्ट करूंगा, स्टेट सिलेक्ट करेंगे, कोई भी आप रखना चाह रहे हो, फ्लोरिडा कोई भी रखनी है, डेलावेयर रखनी, चलो डेलावेयर कर देते हैं। स्टार्ट माई बिजनेस पे क्लिक करोगे तो आपकी जो प्रोसेसिंग है वो सारी की सारी स्टार्ट हो जाएगी। यूट्यूब पे आपको ट्यूटोरियल मिल जाएंगे कि आप लोगों ने इंस फाइल के साथ कैसे रजिस्टर करना है, उसके अलावा आपने क्लेमटा के साथ कैसे करना है, उसके अलावा अगर मैं बात करूं टेलर ब्रांड्स के साथ कैसे करना है, और लास्ट पे माइका गुरु के साथ कैसे करना है। अब इन सभी के साथ तो नहीं मैं आपको बता सकता, किसी एक के साथ मैं आपको करके दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि चीजें कैसे वर्क करती हैं। अब पहले नंबर पे टेलर ब्रांड्स पे मैं आता हूँ। अच्छा, इधर सबसे पहले तो आपसे ये मांगेंगे इंटर योर बिजनेस नेम, आप लोगों ने इधर नाम देना है किस नाम पे आप लोग अपनी जो है LLC फॉर्मेशन करना चाह रहे हो। अब अगर आपके पास नाम है तो ठीक है, वो आप लोग इसको दोगे तो ये बता देगा कि मौजूद है या नहीं है, अदरवाइज आपको मैं एक वेबसाइट बता देता हूँ जिसके थ्रू आप लोग जाकर अपनी स्टेट में देख सकते हो कि वो नाम जो है ऑलरेडी पहले किसी ने रजिस्टर्ड करवा के तो नहीं रखा हुआ। तो ये चेक करने के लिए आप इधर आओगे गूगल के ऊपर, इधर आप लोग आके पहले अपनी स्टेट डालोगे, जैसे इधर मैंने वर्मिंग लिखी हुई है, उसके अलावा आप फ्लोरिडा, अलास्का, डेलावेयर कुछ भी लिख सकते हो, जिस भी मतलब स्टेट में आप अपनी जो है नाम सर्च करना चाह रहे हो। उसके बाद आप लोग लिखोगे एंटिटी सर्च, सिंपल है, इसको मैं जी करता हूं और ये आप लोगों ने सिंपल से सर्च करना है, पहले अपनी स्टेट डाल के एंटिटी सर्च लिखना है, और इधर आप लोगों ने मेक श्योर करना है अपना VPN कनेक्ट कर लो US का। तो इधर मेरे पास एक एक्सटेंशन मैंने इंस्टॉल करके रखी हुई है अर्बन VPN की, इसको मैं ऑन कर लेता हूं यूनाइटेड स्टेट का VPN लगा के, क्योंकि ये वैसे ओपन नहीं होगी वेबसाइट, मुझे पता है पाकिस्तान से, क्योंकि मैं इसको ऑपरेट कर रहा हूँ। इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ पेज को, आई एम नॉट ए रोबोट का कैप्चा फिल करते हैं, और ये रिडायरेक्ट कर दिया इसने मुझे पेज के ऊपर दोबारा। अब आप लोगों ने जैसे पहली ही वेबसाइट गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल है इसको ओपन कर लेना है, जिसके ऊपर बिजनेस एंटिटी सर्च लिखा हुआ है और वैमिंग लिखी हुई है, और आप लोग इधर से स्टेट चेंज भी कर सकते हो, तो अगेन से बता रहा हूँ। अच्छा, इधर से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, नेक्स्ट आपके सामने ये विंडो आ जाएगी, इधर आप लोगों ने अपना नाम सर्च करना है, जो भी आप लोग बिजनेस रजिस्टर करवाना चाह रहे हो आप नाम इधर सर्च करोगे। अब लेट से इधर मैंने उसामा LLC लिखा है, अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि वाइमिंग में किसी ने पहले कोई ये इस नाम से LLC रजिस्टर्ड तो नहीं की हुई। आप लोगों ने अपनी स्टेट के हिसाब से जाना, मैं दोबारा बता रहा हूँ, इधर मैं सर्च पे क्लिक करूंगा और ये लोडिंग होगी, और इसने मुझे बताया कि नो रिजल्ट फाउंड, कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, आप इजीली बना सकते हो इस नाम के ऊपर। तो आप लोगों को आइडिया हो गया कि आपने नाम कैसे चूज करना है। अब मैं दोबारा आता हूँ इधर, इधर आके मैं अपना बिजनेस नेम डाल देता हूँ, उसामा इम्तियाज मैंने लिख दिया, तो इसको मैं इधर गेट स्टार्टेड के पे क्लिक करता हूँ, VPN मैंने ऊपर से बंद कर दिया दोबारा से। अच्छा, नेक्स्ट ये विंडो आपके सामने आ जाएगी, ये कह रहा है लेट्स बिल्ड उसामा इम्तियाज पर्सनल गाइड, इसको आप लोग सिंपल कंटिन्यू करोगे, कंटिन्यू करने के बाद ये विंडो आपके सामने आ जाएगी। इधर आप लोगों को बिजनेस गाइडेंस है, LLC है, लोगो है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही है, आप इधर से सिंपल से इसको स्किप पे क्लिक कर सकते हो। अच्छा, अब इधर टेल अस अबाउट उसामा इम्तियाज, पहले नंबर पे फिजिकल गुड्स, फिजिकल प्रोडक्ट्स बेचना चाह रहे हो, पर्सनल सर्विसेज चाहिए आपको, किस पर्पज के लिए आप मतलब कि इधर यूज कर रहे हो इसको, तो आप लोगों ने इधर से फिजिकल गुड्स के ऊपर क्लिक करना है और इसको आपने सिंपल से नेक्स्ट कर देना है। अच्छा, नेक्स्ट आपसे अब ये पूछेगा वर्ड्स उसामा इम्तियाज इंडस्ट्री, आप अपनी इंडस्ट्री बताओ, तो आप लोग इधर से ई-कॉमर्स कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो इधर मैंने ई-कॉमर्स सर्च किया है, मुझे ये नीचे मिल गई है, नीचे आपसे वो डिटेल मांग रहा है, ये ऑप्शनल है, आप इसको छोड़ भी सकते हो, सिंपल से आपने इधर से नेक्स्ट कर देना है। अब ये नेक्स्ट पूछा है व्हाट स्टेज इज उसामा इम्तियाज करंटली इन, मतलब कि जस्ट एन आइडिया, टॉकिंग द फर्स्ट स्टेप, अबाउट टू लॉन्च, या ऑलरेडी ए बिजनेस। तो अगर आप अपना ऑलरेडी बिजनेस रन कर रहे हो तो आप सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज मैं अभी सिर्फ लॉन्च ही कर रहा हूं तो मैं अबाउट टू लॉन्च पे क्लिक करके इसको नेक्स्ट करता हूं। अब ये पूछा है कि व्हेन आर यू प्लानिंग टू लॉन्च, कब कर रहे हो, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ एज सून एज पॉसिबल, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपसे ये पूछेगा वेयर, किधर आपने किस स्टेट में मतलब कि करना चाह रहे हो काम, स्टेट इधर से सेलेक्ट करोगे तो इधर से हम लोग स्टेट कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसा कि मैं इधर से डेलावेयर कर लेता हूँ। उसके बाद आप लोग ने पोस्टल कोड डालना है, तो इधर मैं डेलावेयर का पोस्टल कोड जो है वो सर्च कर लेता हूँ गूगल पे, तो ये हमें काफी ज्यादा पोस्टल कोड्स मिल भी गए हैं, तो इधर से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद चलते हैं दोबारा इधर आकर हम लोग पेस्ट कर देंगे और इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूं। अब ये पूछा है कि आर यू प्लानिंग टू हायर एम्प्लॉयज, तो मैं बोल रहा हूं यस, उसको हम नेक्स्ट कर देंगे। उसके अलावा इज उसामा इम्तियाज करंटली रजिस्टर्ड एन LLC टू अदर बिजनेस एंटिटी, नो, उसको हम नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद लेट्स स्क्रैच ऑफ थिंग्स, इधर आप लोगों ने वो चीजें सिलेक्ट करनी है जो आप लोगों को नहीं चाहिए, जैसा कि LLC मुझे चाहिए, रजिस्टर्ड एजेंट मुझे चाहिए, EIN मुझे चाहिए, ऑपरेटिंग एग्रीमेंट मुझे चाहिए, लोगो मुझे नहीं चाहिए मैं हटा देता हूँ, डोमेन मुझे नहीं चाहिए मैं हटा देता हूँ, इंश्योरेंस मुझे नहीं चाहिए, उसके पास बिजनेस बैंक अकाउंट मुझे चाहिए, सेल्स टैक्स परमिट भी चाहिए, लाइसेंस भी चाहिए मुझे,
वेबसाइट की जरूरत नहीं है, बिजनेस ईमेल की जरूरत नहीं है, एनुअल ये भी नहीं जरूरत, लीगल डॉक्यूमेंट्स, डिजिटल टैक्सीज एंड उसके अलावा हाँ इसको भी हटा देते हैं, ट्रेडमार्क को भी हटा देते हैं, उसके अलावा बिजनेस कार्ड और ये सारी चीज़ें जो आपको जरूरत नहीं है आप लोगों ने हटा देनी है और उसके बाद सिंपल से आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब पूछा है कि हाउ डिड यू डिस्कवर, आप लोग जैसे कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो, मैंने यूट्यूब से एक छोटा मोटा यूट्यूबर उसने बताया था, उसको नेक्स्ट कर देना। अब ये थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। अच्छा इधर एक चीज मैं ऐड करता चलूं, आप लोगों ने पीछे जितने भी ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं वो एक सर्वे था, आप लोग उनमें से कोई भी ऑप्शन अगर गलत सेलेक्ट भी कर दोगे तो उसका आपके अकाउंट पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, आपकी एलएलसी पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो अगर आपकी मर्जी है आप उसको स्किप भी करना चाहो स्किप भी कर सकते हो, अदरवाइज आपने सेलेक्ट करने है तो कर लेना। ओके, अब ये कह रहा है दी नेक्स्ट थ्री स्टेप्स, तीन स्टेप्स रह गए हैं। अब हमारे पास तीन स्टेप्स हैं, पहले नंबर पे आ रहा है हमारे पास एलएलसी, तो इधर मैं गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करूंगा। अब हमें ये लॉगिन करने को बोल रहा है, तो अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो आप इधर ऑलरेडी रजिस्टर्ड पे क्लिक करोगे, या इधर आप लोग अगर नहीं हो तो न्यू यूजर पे क्लिक करके आप अपनी ईमेल पासवर्ड दो के कंटिन्यू कर लोगे। मैं इधर गूगल के साथ कर लेता हूं ताकि हमारा ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। सो अभी इसने हमें रीडायरेक्ट कर दिया है नेक्स्ट मेन डैशबोर्ड के ऊपर। ओके, तो नेक्स्ट ये विंडो आपके सामने आ जाएगी, लेट्स चेक। अब पहले नंबर पे आप चूज करोगे योर एलएलसी नेम, इधर हम लोग अपना एलएलसी का नाम डाल देते हैं, उसामा इम्तियाज एलएलसी मैंने लिख दिया है, स्टेट इधर से हम लोग कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं रैंडम, और इधर से हम लोग डेलावेयर ही सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको मैं चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करूंगा तो ये भी मुझे बता देगा कि आपका ये जो एलएलसी नेम है ये ऑलरेडी डेलावेयर में रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो आप सिंपल इधर क्लिक करोगे तो ये क्या कह रहा है, इरेज द वर्ड एलएलसी, तो इधर से मैं इसको हटा देता हूं। उसके बाद आप लोगों ने दोबारा चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक करना है और ये चेक करें, योर बिजनेस नेम इज करंटली अवेलेबल, इसने हमें बता दिया कि ये अवेलेबल है आप यूज कर सकते हो। सिंपल इधर से आपने नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करने के बाद आपसे पूछ रहा है कि बेस्ड ऑन योर आंसर Let us build your free tailored business plan. I want a business plan. ये बिल्कुल free है, या I don't need a business plan. तो यार बिल्कुल free है, हम इसको ले लेते हैं, इसको simple से आपने next कर लेना है। अब आपसे पूछा है fill out the information. इधर आपने अपनी personal information देनी है, जैसे अपना first name, last name, आपने इधर अपना mobile number देना है, अपनी email ID देनी है। अब इधर main important चीज़ है mobile number. पहले number पे इधर मैं information fill कर लेता हूँ। अब इधर मैंने first name, last name, email तो दे दी है, और अब number पे बात करते हैं, मैं बैठा हूँ पाकिस्तान में, मैं देखता हूँ कि इधर पाकिस्तान available है कि नहीं है। तो simple से इधर मैं P पे आता हूँ और ये चेक करें, ये पाकिस्तान अवेलेबल है। आप लोग इधर से सेंड करोगे अपना पाकिस्तानी नंबर दोगे इधर, और उसके बाद आप लोगों ने इधर से सिंपल से नेक्स्ट कर देना है। आप किसी भी कंट्री में बैठे हो, आप लोगों ने अपनी डिटेल्स देनी है और इधर नेक्स्ट कर देना है। अब ये कह रहा है गेट योर EIN टू ओपन ए बिजनेस बैंक अकाउंट, तो आपसे हेल्प मी टू गेट EIN या आई एम हैंडल इट myself। तो मैं चाह रहा हूँ कि EIN जो है मैं टेलर ब्रांड के थ्रू ही लेना चाह रहा हूँ, मैं इसे खुद नहीं बाय करना चाह रहा। अगर आप खुद बाय करना चाह रहे हो तो कर सकते हो, अदरवाइज आप लोग इसको ही सिलेक्ट रखो। अब नीचे आप लोग इसकी फीस भी देख सकते हो, EIN की जो है वो $100 फीस लगेगी, और इसके अलावा आप इसको नेक्स्ट कर लोगे। EIN होता है एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। अच्छा, असाइन योर रजिस्टर्ड एजेंट, अब रजिस्टर्ड एजेंट जो है अगर आपके पास ऑलरेडी है तो आप लोग नीचे सेलेक्ट करोगे, अदरवाइज मैं आपको रिकमेंड करूंगा यूज टेलर ब्रांड, ये रिकमेंडेड, आप इसके साथ ही जाओ, आप अलहदा से ना इन चक्रों में पढ़ो, आप लोग का टाइम बहुत वेस्ट होगा और दिमाग बहुत जाया होगा। अब सिंपल से आप लोगों ने इसको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद कीप माई LLC कंप्लेंट, तो इसको मैं मोस्ट पॉपुलर इसको मैं रखूंगा, और आई एम हैंडल दिस कंप्लाइंसिस, अगर आप इसको सेलेक्ट करोगे तो आप इसको खुद करना चाह रहे हो, मतलब मैं इसको खुद नहीं करना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ कि यार टेलर ब्रांड ही सब कुछ करे। उसके बाद आप लोगों ने इसको नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करोगे, अब आपसे ये पूछ रहा है कि एलिवेट योर प्रोफेशनल इमेजेस, आप लोग इसको क्या करोगे, गेट टू द टूल किट या आई डोंट वांट टूल्स। अब इधर नीचे टूल्स आप लोगों को काफी ज्यादा मिल जाते हैं, तो मैं इसको क्या कह रहा हूँ, आई डोंट वांट टूल्स, मुझे कोई टूल्स वगैरह नहीं चाहिए, तो आप इस पे क्लिक करोगे, इसको नेक्स्ट कर दोगे। अच्छा, अब इधर आपसे ये टाइम का बता रहा है आपको कि अगर आप इसको सेलेक्ट करते हो तो आपको $50 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तो आपकी LLC जो है ना 2 दिन के अंदर अंदर फॉर्म हो जाएगी, आपको मिल जाएगी। अदरवाइज आप अगर ये नीचे वाला सेलेक्ट करते हो, आई कैन वेट 2 वीक्स, अगर इसको आप सेलेक्ट करते हो तो आपको 2 हफ्ते लग जाएंगे, 14 दिन तकरीबन, तो आपकी जो LLC की कोई एक्स्ट्रा फीस आपको नहीं देने को मिलेगी। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, आपको कौन सा कोई जल्दी है कि आपको 2 दिन के अंदर अंदर चाहिए, आप नीचे वाला सेलेक्ट करो, कोई एक्स्ट्रा फीस ना दो। अगर आपको ज्यादा जल्दी है तो आप इसको सेलेक्ट करके $50 एक्स्ट्रा दे दो और आपकी LLC 2 दिन में आपको मिल जाएगी। अब मैं नीचे वाले को सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद आप लोगों ने इधर से नेक्स्ट कर देना है। अब कह रहा है स्टार्ट फॉर फ्री, अब इधर एड फाइनेंस मैनेजर है, फ्री ट्रायल आपको दे रहे हैं, आप इसको यूज कर सकते हो, या आई मैनेज माय बुक्स एंड इनवॉइसेस, फ्री ट्रायल आपको मिल रहा है तो आप लोग इसको ही रखो, आप सिंपल से इसको नेक्स्ट कर दो। उसके बाद कह रहा है डोंट मिस दिस इंपॉर्टेंट अपडेट,
इधर आप क्या कर रहे हो, गेट नोटिफाइड आई फॉलो अप माई सेल्फ, कंप्लीटली फ्री है। आप लोग इसको गेट नोटिफाइड पे कर लो और इसको नेक्स्ट कर दो। अच्छा, अब इधर नेक्स्ट स्टेप आता है पिक द परफेक्ट प्लान। आपसे प्लान चूज करने को बोल रहे हैं। अब नीचे आपको तीन प्लान देखने को मिलते हैं, पहला लाइट है, दूसरा एसेंशियल है, थर्ड पे इलीट है। अब लाइट में क्या है, आपको $0 आपको देना है, कोई आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने, आपकी LLC फॉर्मेशन जो हो जाएगी, सिर्फ आपने स्टेट की फीस देनी है जो कि $160 है, अगर आप ये सिलेक्ट करते हो। अच्छा, दूसरे नंबर पे रिकमेंडेड है ये एसेंशियल वाला, आपको टोटल कितने ये बता रहा है, $199 पर ईयर के आपने देने हैं एसेंशियल प्लान के साथ। इसमें आपको मिलेगा क्या, पहले नंबर पे LLC मिलेगी, दूसरे नंबर पे लीगल कॉम्प्लाइंसेस देखने को मिलेंगे, और दो दिन के अंदर आपका प्रोसेसिंग टाइम है, आपको दो दिन में LLC जो है वो बना के दे देंगे। और इसकी जो एक्स्ट्रा जो स्टेट की फीस है जो कि आपने देनी ही देनी है, वो ₹160 है, जो कि इधर भी आपको देनी है, इधर भी देनी है, और इधर भी देनी ही देनी है। तो ये आपको टोटल पड़ जाएगा $200 ये हो गए, $160 ये हो गए, तो $360 में आपको ये मिल जाएगी। एक्सपेक्टेड जो मैंने आपको बताया था, आपको टोटल जो है $350 में LLC बन के आपकी आ जाएगी। नीचे आपको ये प्लान में क्या क्या चीजें मिल रही हैं, आपको नीचे भी सारी की सारी एक्सप्लेनेशन देखने को मिल रही है, फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। अब इलीट है, इसमें $249 पर ईयर है, LLC मिलेगी, लीगल कंप्लाइंसेस मिलेंगे, हमें डोमेन और वेबसाइट की जरूरत नहीं है, तो मैं आपको रिकमेंड कभी भी नहीं करूंगा कि आप इस प्लान के साथ जाओ। आप सिंपल ये जो एसेंशियल वाला है इसके ऊपर आपने सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करना है और नेक्स्ट ये आपके सामने विंडो खुल के आ जाएगी। अब लेट्स फिनिश अप करने का बोल रहे हैं। अभी तो क्या कह रहा है, आपकी सारी सारी डिटेल उसने शो करवा दी है कि आपके $199 ये पड़ेंगे, उसके अलावा डेलावेयर की जो फीस है, स्टेट की फीस है, वो $160 है, और टोटल आपकी जो अमाउंट बन रही है वो है 359, मतलब $360। कंटिन्यू टू पेमेंट के ऊपर आपने क्लिक करना है इधर, और नेक्स्ट आपसे ये पेमेंट मेथड पूछेगा, आप पेपाल के जरिए पे करना चाह रहे हो या आपके पास क्रेडिट कार्ड है, आप इस पे क्लिक करोगे, कंटिन्यू सिंपल से आपने कर देना है। इधर आपने अपने कार्ड की डिटेल देनी है, अगर आप पाकिस्तान में बैठे हो तो आप सादा पे नया पे का यूज करके अपनी जो है इधर कार्ड की डिटेल डाल दो, आपका इधर कार्ड नंबर आपको मिल जाता है सादा पे नया पे का, अपनी एक्सपायरी CVV फर्स्ट नेम लास्ट नेम सारी चीजें दोगे, कंट्री इधर आपको पाकिस्तान देखने को मिल जाएगी। मैं दोबारा से दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि भाई ये पाकिस्तान में तो है ही नहीं, ये चेक करो नीचे पाकिस्तान आ गया। उसके बाद स्टेट आप लोग जैसे सेलेक्ट करोगे, पंजाब सिंध जिधर से भी हो, उसके अलावा पे पे क्लिक करोगे आपकी कटिंग हो जाएगी और ये सारी चीजें खुद ब खुद कर देगा। EIN नंबर, उसके अलावा आपने एजेंट हायर करने की आपको जरूरत नहीं है, ये सारा कुछ ये खुद ही कर देगा, आपने कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं दी। टोटल आपके $360 लगे हैं और आपकी जो LLC है वो फॉर्मेशन हो गई है, US में आपकी कंपनी जो है आपने रजिस्टर्ड करवा ली है। सो गाइस, अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों ने अगर खुद सारी काम करने हैं, आपने EIN नंबर भी खुद रजिस्टर्ड करवाना है, आपने एजेंट भी खुद फाइंड करना है, आपने स्टेट की फीस भी खुद देनी है, सारा कुछ अगर आप खुद करना चाह रहे हो तो वो कैसे कर सकते हो। अच्छा, पहले नंबर पे इधर मैंने ये चीज मिस कर दी थी स्टार्टिंग पे, अगर आपको फिजिकल एड्रेस चाहिए तो आप लोग इस वेबसाइट पर आओ, गूगल पे आके सर्च करो एनी टाइम मेल बॉक्स, आपको पहली वेबसाइट मिल जाएगी, आपने इसको ओपन कर लेना है। इस वेबसाइट पे आने के बाद इधर आपको ब्राउज USA लोकेशन के ऊपर क्लिक करना है सिंपल, और नेक्स्ट आपको सारी की सारी USA की जितनी भी स्टेट्स होंगी वो नीचे शो हो जाएंगी। अब नीचे स्क्रॉल करता हूँ, ये चेक करो सारी की सारी स्टेट्स हैं, आप लोगों ने सिलेक्ट करनी है किस स्टेट के साथ आप जाना चाह रहे हो, किस स्टेट का आपको एड्रेस चाहिए, तो इधर से आप सिलेक्ट करोगे, जैसे कि मैं डेलावेयर सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपको सारी की सारी उसकी प्राइसिंग शो हो जाएगी, पर मंथ आपको कितने देने हैं, इधर ये चेक करो $10 ऑलमोस्ट बन रहे हैं, तो ये एक ऑथेंटिक वेबसाइट है। इसके अलावा और भी काफी ज्यादा है, आप YouTube पे सर्च करोगे, Google पे सर्च करोगे कि मुझे वर्चुअल एड्रेस चाहिए USA का, कैसे बाय करना है, कौन सी वेबसाइट बेस्ट रहने वाली है, आपको काफी ज्यादा वीडियोस मिल जाएंगे, आप उनसे जाके देख दो। मैंने सिंपल आपको एक वेबसाइट बता दी है ताकि आपको ये ना हो कि यार हमें कुछ बताया नहीं है। अच्छा, ये चीज होगी। अब सेकंड बढ़ते हैं फोन नंबर की तरफ। फोन नंबर के लिए आप टेक्स्ट नाउ की एक एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाती है, आप प्ले स्टोर पे जाओ, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लो और आपको इधर वर्चुअल नंबर देखने को मिल जाता है USA का। अच्छा, इससे हटकर एक ट्रस्टेड एप्लीकेशन और भी है, उसका नाम है वाइकी, आप लोग इसको भी इंस्टॉल करो, ये भी बहुत ज्यादा ट्रस्टेड है, आप प्ले स्टोर पे जाके इसको इंस्टॉल कर लो, USA का नंबर मिल जाएगा, आप लोग परचेज कर लेना इस एप्लीकेशन के साथ भी। इसके अलावा आप लोगों को और भी काफी ज्यादा एप्लीकेशन मिल जाएंगे, ये नहीं कि सिर्फ ये दो ही मैंने आपको बताई है, आप जाके प्ले स्टोर पे सर्च करोगे या YouTube पे सर्च करोगे, आपको काफी ज्यादा एप्लीकेशन देखने को मिल जाएंगी, इनसे जाकर आप लोगों ने नंबर जो है वो परचेज कर लेना है। अच्छा, नेक्स्ट आता है रजिस्टर्ड एजेंट। अगर आप खुद फाइंड करना चाह रहे हो, पीछे वेबसाइट्स मैंने आपको जो बताई है उनके जरिए वो सारा काम खुद ही करेंगे, अगर आप चाह रहे हो कि यार मैं सारा काम खुद करूं, तो आपने क्या करना है, पहले नंबर पे अपनी स्टेट डालनी है जिस स्टेट में आपको रजिस्टर्ड एजेंट चाहिए, उसके बाद गूगल पे आपने सिंपल लिख देना है रजिस्टर्ड एजेंट। अब इधर मैंने वाइमिंग रजिस्टर्ड एजेंट लिखा है, आप डेलावेयर के लिए चाह रहे हो, अलास्का, टेक्सास, फ्लोरिडा, जिसके लिए भी चाह रहे हो आप सर्च करोगे सिंपल,
उसके बाद नीचे आपको वेबसाइट मिलेगी, आपने इस वेबसाइट के साथ जाना है जिसके अंदर $25 पर ईयर लिखा हुआ है। इसको मैं ओपन कर लेता हूं सिंपल से। नेक्स्ट इस तरह का आपके साथ इंटरफेस आएगा। इधर आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, फॉर्म ए कंपनी या गेट ए रजिस्टर्ड एजेंट। तो मैं रजिस्टर्ड एजेंट पे क्लिक करूंगा, आपको $25 ये चार्ज करेगी वेबसाइट। इधर आपने अपनी सारी की सारी कंपनी की इंफॉर्मेशन दे देनी है, जैसे आपका कंपनी का नेम, LLC है, उसके अलावा सारी चीजें आपसे मांगेगा। दो आपको ये एक रजिस्टर्ड एजेंट हायर करके दे देंगे $25 के अंदर, USA में आपने जिस स्टेट को सेलेक्ट किया होगा, जिस स्टेट में आप चाह रहे हो। ये तरीका भी आपको समझ लग गया है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, आपने EIN नंबर कैसे लेना है। खुद अगर लेना चाह रहे हो तो आपने सिंपल EIN नंबर USA सर्च करोगे गूगल पे, आपको पहले ही नंबर पे जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है ना IRS की, वो मिल जाएगी। इसको मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये इस तरीके से आपको शो होगी। इधर आप लोग जब आओगे ना तो आपको एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर देखने को नीचे मिलेगा। आप इस वेबसाइट पे आके ऑफिशियली खुद जाके परचेज कर सकते हो। IRS की ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट है USA की, इधर से आके EIN नंबर जो है वो परचेज कर सकते हो। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, वो है ITIN नंबर। ये ITIN नंबर क्या होता है आप लोगों को काफी ज्यादा नहीं पता होगा, लोगों को मैं बता देता हूँ। ये एक 9 डिजिट का एक नंबर होता है, क्या है, इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज, जो IRS की मैंने आपको पीछे वेबसाइट बताई है ना, जिसपे आप लोग इधर ये चेक करो, जिसपे हम लोगों ने EIN नंबर, एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर हमने इधर से जाके परचेज करना है। सेम टू सेम उसी वेबसाइट पे जाके आप लोग ये भी बाय करोगे जो हमारा ITIN नंबर होता है। अब ये क्या करेगा, इशू करेगा टू पीपल फिलिंग ए टैक्स रिटर्न। अगर आप टैक्स फाइलिंग करना चाह रहे हो तो उसके लिए आप लोगों को ये चाहिए होता है, अदरवाइज आप लोगों को जरूरत नहीं है इसकी। ये किन लोगों के लिए है, हु आर नॉट US, जो मतलब कि US के रेजिडेंशियल नहीं है, जो कि सिटीजन्स नहीं है, ये उन लोगों के लिए है। अच्छा, इधर एक चीज इन्होंने और भी लिखी हुई है कि आप लोग सोशल सिक्योरिटी नंबर। अब ये सोशल सिक्योरिटी नंबर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इसकी हमें वैसे जरूरत तो नहीं है, ना LLC में जरूरत है, ना किसी और जगह पे जरूरत है, लेकिन ये होता क्या, आपको बताने का मकसद ये है कि आपको नॉलेज हो उस बारे में। अब जैसे पाकिस्तान में हमारा ID कार्ड होता है, इंडिया में आधार कार्ड होता है, वैसे ही आप अगर USA में हो तो उधर आपको एक सोशल सिक्योरिटी नंबर मिलता है, जिसको आप लोग यूज करके आगे कोई भी अपना काम कर सकते हो। तो ये एक सोशल सिक्योरिटी नंबर है, मैंने कहा कि आपको बता दूं। सिंपल नीचे आना है आपने, IRS की वेबसाइट पे आना है, इंडिविजुअल टैक्सपेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर ITIN नंबर, इधर आप क्लिक करोगे तो इधर से आप जाके अपना जो है फाइल कर सकते हो, फॉर्म कर सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर। जिन लोगों ने खुद करना है जाके करो, बट मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करता आप इतने चक्करों में पड़ो। सो गाइस, होप करता हूं कि आप लोगों को सारी चीजें जो है वो अच्छे से समझ लगी होंगी कि कैसे कंपनी फॉर्म करनी है, LLC बनानी कैसे है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आपको किसी चीज की समझ नहीं लगी, तो आप लोग नीचे कॉमेंट सेक्शन खोला हुआ है, कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके पूछ सकते हो। सेकंड नंबर पे आपको स्क्रीन पर मेरी इंस्टाग्राम ID भी शो हो रही होगी, भाई को इंस्टा पे लाजमी फॉलो कर लो, क्योंकि आप सभी के DMs के रिप्लाई हम करते हैं। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।